गिरिराज जी को गिरिजा शंकर, बहुत अच्छी भैया उसमें नहीं लिखा है, गिरिजा शंकर को मैं आमंत्रित करता हूँ और वो आकर के तथा माल्यार्पण कर माल्यार्पण का स्वागत करें। मैं राम प्रताप जी को सत्यनारायण जी को आमंत्रित करता हूँ कि कम से लगातार आते रहे और माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हैं। राम किशोर पांडे को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। राम नारायण वाजपेयी, राकेश शुक्ला जी, तीनों मिश्रा युवा नेता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ चले गए। राम वाजपेयी को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो विराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। संजीव कुमार भैया इनको मैं आमंत्रित करता हूँ, ये माल्यार्पण कर स्वागत करें। मनोज अग्निहोत्री जो प्रधान अध्यापक चांदी को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो आकर माल्यार्पण कर स्वागत करें। राकेश मिश्रा तथा देवेश पांडे, महेंद्र कुमार वाजपेयी को आमंत्रित करता हूँ, जो माल्यार्पण कर स्वागत करें। तथा अरे उमंग तथा मैं अपने मंडल की कमेटी की तरफ से फोटो में सबके वीडियो चालू छोटू जो मंडल की कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारे ये सब पालिकाओं माल्यार्पण का स्वागत करें। छोटू भैया तथा इसी कड़ी में मैं मलारे भैया को आमंत्रित करता हूँ कि हमारे अस्मदा के बूथ अध्यक्ष हमारे ये सारे विदेश भैया का माल्यार्पण का स्वागत करें। मान्यवर संगठन की कड़ी में और इस के बाद में मलारे जी विराज जी का सम्मान था, उसके बाद में मैं शहरों से कहूंगा कि जो हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि जो हमारे रजनीश त्रिपाठी जी बैठे हैं, पूरा दावे मदार इनके ऊपर संगठन को का कार्य मैं देख रहा हूँ। बात भाग की पूरी जिले की बात और हमारे रजनीश त्रिपाठी भैया दूसरे मैं लोगों का स्वागत करने का आपको स्वागत करें। माल्यार्पण का कार्य खत्म होने के बाद वास्तविक मैं शेरू भैया से कहूंगा कि जैसे हमारे हरिओम भाई थे, ऐसे कुछ वृद्ध लोग जिनको माननीय विधायक जी द्वारा उनको तथा मैं ओम प्रकाश मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने अपने आशीष वचनों को उद्गार करें। माँ भगवती के प्रांगण में आज जिस दिन की आस लगाए हुए हमारे क्षेत्र की जनता निरंतर प्रयासरत रही, वो दिन हम लोगों के समक्ष आया तो बहुत पहले है, लेकिन यहाँ पर आज पहली बार आया है। आज मंच पर बैठे हुए हमारे यशस्वी विधायक श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह रानू भैया, उनके बाएं बैठे हुए इस मंडल के मंडल अध्यक्ष हमारे छोटे भाई श्री मनोपाल सिंह जी, विधायक प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हमारे छोटे भाई श्री रवि त्रिपाठी जी, राम प्रकाश जी, दीपांशु जी, जिस तरीके से युद्ध स्थल में श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाथ करते उसी तरीके से माननीय विधायक जी के सारथी
ही कदम में बैठे हुए हमारे भतीजे श्री अनूप गुप्ता जी, हमारे संगठन की रीढ़, हमारे बूथ प्रमुख, सेक्टर प्रमुख, मंडल के पदाधिकारी एवं सदस्य देवतुल्य कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए मैं अपने कुछ शब्दों में आपसे अपनी बात रखना चाहूंगा। आपकी मेहनत रंग आई, आपने तो मुझे अब वो पूर्ण सहयोग दिया, उसके फलस्वरूप